In this lecture, we will study the star delta transformation or T to pi conversion and vice versa. यानी T से pi conversion में या pi से T conversion में हम इसको study करेंगे. So, when we start with the star transformation, तो before study the star delta conversion, it is necessary to understand that T network just like a star network as shown in figure. अगर हम figure में देखें तो this is the T network. ये हमारे पास एक T network है. इसको इक्विवेलेंट अगर देखें तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टार नेटवर्क. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी नेटवर्क इनटू द स्टार नेटवर्क. इसको जस्ट ये हमने इन दोनों जो ब्रांचेज है इनको जस्ट ट्विस्ट कर दिया ऐसे करके और वी विल गेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज द स्टार नेटवर्क. तो हम कह सकते हैं टी सेक्शन नथिंग इट्स इक्विवेलेंट टू द स्टार नेटवर्क. वो एक ही चीज है. इसी तरह से देन वी कैन गेट द इक्विवेलेंट ऑफ द डेल्टा नेटवर्क पाई सेक्शन. Similarly, pi network is just like a delta network, as shown in figure. Hence, star delta conversion or T pi conversion are same. यानी हम या तो से star delta conversion कहें या T pi conversion कहें, T से pi में या pi से T में. तो delta को देखें तो delta की conversion के लिए ही हमारे पास ये हो गया. और इन दोनों branches को क्योंकि this is the same node, यहाँ पर बीच में कोई resistance नहीं है, तो this can be connected like that. So, हमें ये delta transformation मिल जाता है इस तरह से. तो हम एक तरह से चाहे तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कहें उसे या टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों सेम चीज है. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको. देन व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन. सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस कन्वर्जन. सो देयर आर सम रीजन बाय विच वी आर स्टडिंग दिस. इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कैन कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू द सिंप्लीफाइड नेटवर्क. अगर हमारे पास स्टार डेल्टा कन्वर्जन यानी टी सेक्शन से पाई सेक्शन और पाई से टी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इन सम प्लेसेस इफ द नेटवर्क इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तो ये कन्वर्जन उस नेटवर्क को काफी सिंप्लीफाई कर देता है. इन सम सिचुएशन इज नॉट इजी टू फाइंड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क. यानी कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको कैलकुलेट करने हैं बट इट इज नॉट इजी टास्क टू कैलकुलेट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच विल हेल्प टू अस फॉर कैलकुलेटिंग दीज इम्पीडेंसेस. In that case, these conversions are play a better role for analyzing the network. So finally, हम कह सकते हैं कि star delta transformation complex network को analyze करने के लिए एक अच्छा role अदा करता है. Equivalent of T and pi network. Two networks are equivalent if one network is replaced by other without affecting the produced voltage and flowing currents in the network. यानी कि हम equivalent की अगर बात करें तो equivalent का मतलब क्या है? कि equivalence of T and pi network. अगर हम T network को pi network में convert कर रहे हैं तो वो उसको हम एक टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं अगर उसमें प्रोड्यूस होने वाली वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट में कोई चेंज नहीं होता. अगर हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज नहीं होता हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क दूसरे के इक्विवेलेंस है. तो एक नेटवर्क दूसरे के इक्विवेलेंस जब होगा जब उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसमें प्रोड्यूस होने वाली वोल्टेजेस में कोई चेंज ना आए उसे रिप्लेस करने पर. हेंस इन एनी नेटवर्क टी सेक्शन इज रिप्लेस बाय पाई सेक्शन एंड वाइस वर्सा. यानी किसी भी नेटवर्क में हम टी सेक्शन को पाई सेक्शन में या पाई सेक्शन को टी सेक्शन में रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमें उनका इक्विवेलेंट नेटवर्क पता है तो. या हम कह सकते हैं किसी भी स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन देयर इज नो चेंजेस अकर्स इन द प्रोड्यूस वोल्टेजेस एंड फ्लोइंग करंट्स इन द नेटवर्क टर्मिनल्स. यानी कि अगर हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन टू द वोल्टेज एंड करंट्स. नाउ अब बात आए कि हम कैसे ये कन्वर्ट करेंगे इनको स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार. सो फर्स्ट डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और कन्वर्जन ऑफ पाई सेक्शन टू टी सेक्शन. जैसे हमने पहले स्टडी किया था जो डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग इट्स अ पाई सेक्शन और स्टार जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स नथिंग इट्स अ टी सेक्शन. तो पाई सेक्शन से टी सेक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहां हमने इंपीडेंस मान लिया कि जैसे डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ए बी के अंदर जो इंपीडेंस जेड ए बी है, बी सी के बीच में जो इंपीडेंस जेड बी सी नाम दे दिया गया है, एसी के अंदर जो इंपीडेंस है जेड एसी कहा है. इसी तरह से स्टार के अंदर जो ए टर्मिनल पर इंपीडेंस है जेड ए कह दिया है, बी टर्मिनल पर जो इंपीडेंस है जेड बी कह दिया और सी टर्मिनल पर जो कनेक्ट इंपीडेंस है उसे जेड सी कह दिया. देन अगर हम इसमें इन फिगर 3.67 ए अगर इस फिगर में देखें द इंपीडेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ डेल्टा नेटवर्क. ए और बी के बीच में हम इंपीडेंस निकाले दैट मीन जेड ए बी. तो जेड ए बी नथिंग जेड ए बी इज पैरेलल विद जेड बी सी एंड जेड ए सी. जेड ए सी सीरीज में है इन दोनों के पैरेलल में जेड ए बी है. तो ये हमारे पास एक इसका इंपीडेंस आता है ए बी के बीच में. ए बी के बीच का इंपीडेंस निकालेंगे तो जेड ए बी पैरेलल विद जेड बी सी प्लस जेड सी ए.
वाइल इन फिगर 3.67 बी द इंपीडेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, अगर स्टार नेटवर्क में ए बी देखें तो हमें जेड ए और बी के बीच में दो टर्मिनल इंपीडेंस कनेक्ट है, जेड ए है जेड बी है, ए टर्मिनल पर जेड ए बी टर्मिनल पर जेड बी, तो इस तरह से हमें ए बी टर्मिनल में स्टार में और डेल्टा में इंपीडेंस मिलेगा। इफ वी इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अब इसका मतलब ए बी के बीच में नेटवर्क जो है जो इंपीडेंस है वो दोनों में बराबर है, तो हमने ये इक्वेशन इसके इक्वेट कर दिया, तो जेड ए प्लस जेड बी इज इक्वल टू जेड ए बी पैरेलल जेड बी सी जेड सी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट जेड ए प्लस जेड बी, जेड ए प्लस जेड बी क्या मिल रहा है, जेड ए बी जेड बी सी प्लस जेड सी ए ओवर जेड ए बी प्लस जेड बी सी प्लस जेड सी ए। जब ए बी के बीच में निकाल लें तो यहां पर ये टर्मिनल हमारे पास जेड ए बी आया, और जहां जेड ए बी आया तो बाकी बचे हुए इंपीडेंस जेड बी सी जेड सी यहां आए, यहां तीनों है। इसी पैटर्न में सेम, क्योंकि जो सिमिलरिटीज है वो समान है, तो सिमिलरली हम जेड बी प्लस जेड सी निकाले थे, बी सी के बीच में कितना इंपीडेंस होगा, तो इन टर्म्स ऑफ जेड बी सी, तो यहां पर जेड बी सी है तो जेड बी सी यहां जाएगा, बाकी बचे हुए दोनों इंपीडेंसेस यहां जाएंगे, तीनों इंपीडेंस नीचे होंगे। इसी तरह से जेड सी जेड ए निकालेंगे तो जेड सी ए यहां आएगा, फिर जेड बी सी जेड ए बी, और तीनों इक्वेट, तो तीनों सिमिलरली तीनों हमारे पास इक्वेट करके हमने निकाल लिया। अब हमारे पास तीन इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन 3, 4, 5। नाउ एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, यानी जेड ए प्लस जेड बी 3 और 5 को हम ऐड कर रहे हैं, दैट मींस 3 और 5 मींस जेड ए प्लस जेड बी और जेड सी प्लस जेड ए, तो इससे ऐड को करें तो जेड सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड ए हमारे पास बचेगा, 2 जेड ए आ गया। इनको जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को इसको, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है 2 जेड ए। इससे हम जेड ए निकाल लेंगे तो हमारे पास जेड ए जो आता है फाइनली, दैट इज जेड ए इज इक्वल टू जेड ए बी जेड सी ए अपॉन जेड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें हम देखें तो जेड ए निकालने के लिए ए बी और सी ए, ए के साथ दोनों टर्मिनल है, ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ सी का, बी सी इसमें से नहीं है। इसी तरह से हम एडिंग इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड बी निकल आएगा। सिमिलरली इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड सी निकल आएगा। तो इसमें देखें तीनों इक्वेशन से सिमिलरिटीज है, जेड ए के केस में जेड ए जेड सी ए यानी इसमें बी सी गायब है, जेड बी के केस में जेड बी सी जेड ए बी यानी बी का जिसके साथ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जिस टर्मिनल के साथ में केवल वो ही है, बाकी स्किप हो गया है, और जेड सी। इसी तरह से हमने तीनों जेड ए जेड बी जेड सी निकाल लिए, तो एक तरह से दीज आर दी इक्वेशन ऑफ जेड ए जेड बी जेड सी इन टर्म्स ऑफ जेड ए बी जेड बी सी जेड सी ए। यानी कि अगर हमें डेल्टा कॉम्बिनेशन के इंपीडेंसेस पता है तो हम स्टार कॉम्बिनेशन उसका बना सकते हैं, इट्स अ सिंपली कन्वर्जन के डेल्टा से हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और पाई टी सेक्शन टू पाई सेक्शन कन्वर्ट करेंगे। टी सेक्शन और पाई सेक्शन कन्वर्ट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम इसमें जनरली एक मेथड शॉर्ट सर्किट वाला इंपीडेंस यूज करते हैं कि हमें किसी इन तीनों ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच को शॉर्ट कर दें और बाकी अदर टर्मिनल के बीच में इंपीडेंस कैलकुलेट करें, उस मेथड से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहां पर बेसिकली ए बी ब्रांच को बी सी ब्रांच को और ये बी सी ब्रांच को इसको शॉर्ट किया है। तो अगले नेक्स्ट मेथड में देखें, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द स्टार डेल्टा कन्वर्जन, कि अगर हम कोई दो टर्मिनल को स्टार और डेल्टा के नेटवर्क के शॉर्ट कर देते हैं और इंपीडेंसेस कैलकुलेट करते हैं अदर टर्मिनल्स के बीच में, देन वी विल गेट द कन्वर्जन। तो यहां पर हमने क्या किया है, बीसी टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, बीसी टर्मिनल को शॉर्ट करते ही इसका इफेक्ट खत्म हो गया यहां से, और इसको शॉर्ट कर दिया है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें इंपीडेंसेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने जेड ए सी कैलकुलेट किया, ए और सी के बीच में, हमने कहा अदर टर्मिनल के बीच में कैलकुलेट करते हैं, तो जेड ए सी में करेंगे तो जेड ए प्लस जेड बी और जेड सी दोनों पैरेलल में है और उसके साथ में जेड ए है। वाइल इन फिगर 3.7 बी, उसमें भी जेड ए सी निकाल लिया, दैट इज जेड सी ए पैरेलल जेड ए बी, ये दोनों पैरेलल में है। तो अब इन इक्वेशंस को दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि स्टार का जो बीच में टर्मिनल है उनके बीच में जो इंपीडेंस है वो डेल्टा के टर्मिनल्स के बीच में हमने इक्वेट मान लिया इसी के बीच में, तो इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आती है जेड ए, और फाइनली फर्दर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन जेड सी ए प्लस 1 अपॉन जेड ए बी इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली अब हम 1 अपॉन जेड ए बी जेड बी सी निकाल लेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, जेड बी सी प्लस जेड सी निकालेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। और हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई जेड ए बी जेड बी सी और जेड सी ए की फॉर्म में। नाउ एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, 3 और 4 को हम ऐड कर दें, यानी कि इनको देखें तो ऐड करें तो जेड ए बी जेड ए बी ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 जेड ए बी आ जाएगा, 1 अपॉन 2 जेड ए बी आ जाएगा, जेड बी सी जेड सी ए तो ये 2 अपॉन जेड ए बी, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जेड बी सी वाला टर्म इसमें से चला जाएगा, तो हमारे पास 2 अपॉन जेड ए बी ये इक्वेशन आ जाएगी।
और से जेड ए बी निकाल लेंगे तो जेड ए बी के फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन आता है जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, और ए बी है यहाँ पर, तो ए बी है तो ए बी यहाँ पर नहीं है, सी है केवल यहाँ पर। सिमिलरली 4, 5 को एड करके 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, 3 और 5 को ऐड करके 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा। देखें तीनों में सिमिलरिटीज है, अगर हम ए बी ले रहे हैं तो सी आ रहा है, बी सी ले रहे हैं तो ए आ रहा है, सी ए ले रहे हैं तो बी आ रहा है, बाकी न्यूमरेटर वाला जो सभी का टर्म है वो सभी में इक्वल है। तो दीज आर दी टर्म। तो अगर हमारे पास जेड ए जेड बी जेड सी पता है तो हम जेड ए बी जेड बी सी और जेड सी ए निकाल सकते हैं, यानी हमने सिंपली स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की इंपीडेंस से डेल्टा ट्रांसफॉर्म डेल्टा कनेक्शन का जो इंपीडेंस है वो कैलकुलेट कर लिया।